यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे लोग, स्वागत है अपनी GT5 की वीडियो में। तो गाइस आपको लास्ट टाइम का याद ही होगा, हम एक पैंथर खरीद के लेकर आए थे और गाइस वो वाला पैंथर ना अब मर चुका है यार। बात कुछ ऐसी यार, हमारा बॉडी बिल्डर यानी कि माइकल का राइट हैंड यार और पैंथर यार दोनों के दोनों घूमने के लिए गए थे और रास्ते में यार डगन बॉस के आदमी उन दोनों को किडनेप करके ले जाते हैं और गाइस हमारे पैंथर को मार देते हैं, क्योंकि यार हमारे पैंथर ने ना उनके ऊपर अटैक कर दिया था, इस वजह से उन्होंने हमारे पैंथर को मार दिया। और गाइस अभी हमारा राइट हैंड बिल्कुल सही सलामत, गाइस उसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। और गाइस अभी डगन बॉस के ना हमारे पास कॉल आई थी, तो वो बोल रहा है मेरे को $10 मिलियन दे दो और इसको बचा कर ले जाओ। तो गाइस हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, हमको बिना पैसे दिए उसको बचा कर ले आएंगे। और गाइस कल ना यार हमने पैंथर की वजह से पुलिस वालों से बहुत ज्यादा लड़ाई भी करी थी। पुलिस वाले बोल रहे थे यार इस शहर में तुम पैंथर को नहीं रख सकते। हमने यार पैंथर के चक्कर में पुलिस वाले से बहुत ज्यादा फाइट भी करी थी यहाँ पे यार, फिर भी हमारा पैंथर नहीं बच पाया। कोई दिक्कत की बात नहीं यार, पैंथर के बदला पूरा लेंगे यार हम डगन बॉस से। तो फटाफट यार डगन बॉस के पास चलते हो यार, अभी ना हमारा खून खोल रहा है, तो गाइस उसको छोड़ने वाला हूँ नहीं मैं यार डगन बॉस को। तो गाइस यार अभी ना मैं डगन बॉस की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ यार, गाड़ी थोड़ी पीछे ही रुकवा देता हूँ यार, क्योंकि यार हमें थोड़ी सी यहाँ से पैदल जाना है। और गाइस डगन बॉस से हमें फाइट ले ली यार, हमको पैसे वैसे कुछ देने नहीं है उसको। और गाइस वो सामने की साइड आपको दिखाई भी दे रहे होंगे यार, उसके बंदे कैसे खड़े यार लाइन से यार, उसने पूरी सिक्योरिटी वगैरह लगा रखी है। तो गाइस हमको धीरे धीरे जाना होगा ताकि उसको पता ना चल जाए यार, वो एक सेकंड में हमको मार सकता है यार। वो देख सकते हो यार सामने की साइड में उनके सर वगैरह दिख रहे होंगे आपको। और गाइस हमको धीरे धीरे यार धीरे धीरे छत पर जाना होगा, और गाइस उनको जैसे पता चल गया यार वो हम पे फायर स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आपको दिख रहे होंगे, तो गाइस हम चुपके चुपके से यार नीचे की साइड चलते हैं गाइस ऊपर। तो गाइस अभी ना यार जैसे तैसे करके मैं छत पे आ गया हूँ, और वो देखो यार सामने हमारे बंदे को उन्होंने किडनैप कर रखा है, बोले तो यार बंदी बना रखा है। और गाइस अभी ना यार फाइट स्टार्ट करने का वक्त आ गया, और गाइस अभी ना यार फायर करने जा रहा हूँ, जैसे ही मैं फायर करूंगा यार वो भी हमको देख लेंगे और फायर करना स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट यार मैं जाकर फायर कर देता हूँ, वो देखो यार सामने की साइड बंदे खड़े हैं, और गाइस जिनको यार अभी ना पता चल चुका है यार मैं पीछे की साइड में भाग लेता हूँ, और देखो यार इन्होंने ये बंदे बना रखा है। ओ भाई भाग यार, यार हमारे बंदे भी भाग जाएगा यार, अभी ना यार मैं पीछे की साइड चलता हूँ, अब मेरे बंदे निपटाएंगे इनको। और गाइस अभी ना यार यहाँ पे मामला शांत हो चुका है, और गाइस यहाँ पे कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा यार। डगन बॉस भी भाग गया यार हमारे बंदे को लेकर, पता नहीं कहाँ पर चला गया। और गाइस ये रहा यार हमारा पैंथर यार, बिल्कुल बुरी तरह से मार दिया यार उसने। और गाइस वो देखो यार हमारा बंदा आ गया यार, इससे पता करके देखता हूँ। और गाइस मैंने इससे ना यार बात कर लिया, वो कह रहा है डगन बॉस ने यार यहाँ से भाग गया। और गाइस मेरे बंदों ने भी सारी जगह ढूंढ लिया, लेकिन यार वो नहीं मिल रहे। तो गाइस हमको यार उसको कॉल करके बोलना पड़ेगा, धमकी देनी पड़ेगी यहीं से निकल के आ जा, वरना यार ढूंढ कर हमसे बहुत ज़्यादा बुरी मारेंगे। तो फटाफट यार उसकी धमकी दे देता। और गाइस मैंने ना यार उसको अभी धमकी दे दी, और वो देखो यार पीछे से यार डगन बॉस भी आ रहा है। और गाइस अब ना यार ये डगन बॉस हमारी हेल्प करने वाला है पुलिस से बचने के लिए। और गाइस देखो यार सामने की साइड कितनी सारी पुलिस आ गई है, तो फटाफट यार मैं अपने सारे बंदों को और डगन बॉस को बोल देता हूँ इन सबको मारे। और गाइस यार सामने की साइड देखो यार कितने सारे पुलिस वाले आ चुके हैं, तो ऐसा करते हैं यार सारे के सारे ऊपर की साइड चलते हैं फटाफट, क्योंकि यार ऊपर की साइड से हमारा हाइट एडवांटेज रहेगा, तो पुलिस वालों को हम बिल्कुल आसानी से मार पाएंगे। और गाइस ऊपर की साइड में काफी सारे हेलीकॉप्टर भी आ गए, तो फटाफट इनको निपटाते हैं। और गाइस बहुत ज्यादा गोली मार रहे हैं ऊपर की साइड से हेलीकॉप्टर, रुक यार तेरी भैंस की टांग, एक बंदा तो गाइस मैंने गिरा दिया। और गाइस ऊपर की साइड अभी हेलीकॉप्टर रह गया यार, ये हेलीकॉप्टर पर पता नहीं कितना ज्यादा खतरनाक उड़ाते हैं यार, इनके गोली एक तो लगती नहीं है। और गाइस ये हेलीकॉप्टर यहाँ से दूर भगा के ले जाता है। और गाइस अभी ऊपर की साइड मेरे दो ही बंदे आए हैं, और गाइस सामने की साइड देखो यार कितनी सारी पुलिस है, तो गाइस हमको यहीं पे छुप कर फाइट करनी पड़ेगी। और गाइस ये तेरी भैंस की टांग हट यहाँ से, और गाइस इनके तो गोली लगी नहीं, पता नहीं क्या पहन कर आए। और गाइस यहाँ पे यार मेरे एक दो बंदे नेचर नहीं आ रहे, मतलब एक बंदा नहीं आ रहा। सामने की साइड देखो यार पुलिस वाला कैसे एक पुलिस वाले को खींच कर लेके जा रहा है, वो भाई उसने तो यार कार की आड़ में कर लिया उसको। और गाइस सामने देखो यार कितनी सारी पुलिस आई जा रही है भाई, आई जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक बंदा दिखाई नहीं दे रहा यार यहाँ पे। तो नीचे की साइड में यार हमको जाकर देखना पड़ेगा आखिर एक बंदा रह के गया। और गाइस यहाँ पे यार डगन बॉस भी दिखाई नहीं दे रहा, सबसे बड़ी बात यार डगन बॉस भी नहीं दिखाई दे रहा। तो गाइस ऐसा करते हैं यार नीचे की साइड में चल कर देखते हैं, क्या पता यार डगन बॉस यहाँ पे भाग के हो यार हमारे बंदे को धोकर देके, क्या पता यार उसने हमारे बंदे को ही मार दिया हो। तो फटाफट यार नीचे की साइड में चल के देखते हैं आखिर सीन क्या है। और कि यहाँ पे दोनों के दोनों मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, और कहीं यहाँ पे तो नीचे की साइड में खड़ा यार डगन बॉस, तो यहाँ पे यार बेहोश हो चुका है। तो यार फटाफट यहाँ से भागते हो भाई, भाग यार यार इसके चक्कर मत पड़ यहाँ से भाग भाई। तो यार फटाफट भाग यहाँ से यार, क्योंकि यार डगन बॉस यहाँ पे बेहोश हो चुका है गोली लगने की वजह। तो फटाफट यार नीचे की साइड में चलते हैं, और कैसे अपनी गाड़ी की साइड चलते हैं यहाँ से यार, धीरे धीरे करके निकलते हैं यार। और भाई अपनी कार के थोड़ी बहुत तो पास रहता हूँ, लेकिन ये हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा पंगा ले रहा है, हट यहाँ से। और कहीं एक और रह गया यार, और कहीं ये भी गया, कहीं बहुत ज़्यादा पंगा ले रहे थे यार। और कहीं सामने साइड में और भी हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं यार, कहाँ गए अभी तो थे। और कहीं यहाँ पे यार देखो यार पुलिस कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और कहीं एक और रह गया, हट यहाँ से निकल यार, बहुत
बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और गाइस देखो यार, इन्होंने हमारा भाई कोड भी फाड़ चुका है यार, फाड़ दिया मतलब गोलियाँ मार मार के कोड भी फाड़ दिया। बहुत अच्छा, वो मैंने बेस्ट वगैरह पहन रखी है। और गाइस यहाँ पे सारे के बंदे मेरे फाइट में लगे पड़े हैं। और गाइस सामने की साइड में एक हेलीकॉप्टर, शायद ये हेलीकॉप्टर नहीं है, हवाई जहाज है। तो गाइस फटाफट यार मैं अपनी कार की साइड भागता हूँ और बंदो आगे की साइड जाओ। बंदों को मैंने बोल दिया यार आगे की साइड में जाएंगे बंदे, तो फटाफट यार मैं अपनी कार को लेकर आया। तो सामने की साइड में देखो यार कितनी सारी कारें पड़ी हैं। यहाँ पे मैंने पावरफुल गन ले ली और मारते कार फट जा रही है इनकी। और गाइस यहाँ पे डबटनर स्टार्ट हो गए। और सामने की साइड में आ गए मेरे बंदे, तो फटाफट यार इनको बिठा लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे निकलते हैं यार, यहाँ पे एक बंदे को रुकना पड़ेगा यार, क्योंकि गाड़ी में तीन ही बंदे बैठ सकते हैं। तो यार फटाफट बैठो यार। और यहाँ पे यार ये तीनों के तीनों बैठ जाते हैं यार, फटाफट भगाते हैं यार यहाँ से। और गाइस हमारा एक बंदा रह गया यार, ये भी हमारे पीछे पीछे आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गाइस हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और गाइस यार सामने की साइड में इन्होंने हमारा शीशा ही फोड़ दिया। तो गाइस अभी नीचे की साइड में चलते हैं यार, बाद में इसको लेने के लिए आ जाऊँगा मैं, या फिर ये खुद ही आ जाए यार किसी की गाड़ी पकड़ के। तो गाइस यार फटाफट यहाँ से निकल लेता हूँ, कहीं ना कहीं अपना इंतजाम देखते हैं यार छुपने का। तो गाइस फटाफट अपनी कार भगाता हूँ। और गाइस अभी ना यार मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, और गाइस पुलिस मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। और गाइस मैं गलियों में भगा भगा कर मैंने पुलिस को परेशान कर दिया। और गाइस कैसे ना कैसे करके पुलिस हमारे पीछे से हट जाती है। और गाइस यहाँ पे कच्चे रास्ते पे चलता हूँ, और गाइस किसी ना किसी घर में घुस देता हूँ यार। और गाइस अभी ना यार हम किसी के घर में आ चुके हैं, और गाइस हमारा चौथा बंदा भी आ चुका है। सबसे बढ़िया बात तो यार हमने अपने बॉडी बिल्डर को बचा लिया। और गाइस इसके दो तीन गोलियाँ भी लग गई हैं, जो यार फटाफट घर पर जाकर निकालनी पड़ेगी गोलियाँ, मतलब डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो गाइस यार फटाफट कभी ना किसी की गाड़ी पकड़ के यहाँ से निकलते हैं यार। हमारी डिफेंडर तो बंद हो गई यार, उसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ वगैरह पड़ गई हैं। तो गाइस उसका इंजन अभी ना बंद हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात का यार, हमारा पैंथर मर चुका है। चलो यार कोई दिक्कत की बात है नहीं, एक नया पैंथर खरीद के ले आएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। फटाफट यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। जरा सा भी एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन भी ऑल पे प्रेस कर देना गाइस।